हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आरएमएस फार्मेसी चैनल में। तो मेरा नाम जुनैद और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा क्रेमाफिन प्लस सिरप के बारे में, इसके यूज क्या है, डोज क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो मेडिसिन से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड जब भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप कब्ज से परेशान हैं या आप मॉर्निंग टाइम जाते हैं टॉयलेट तो पेट साफ नहीं होता, तो आपके लिए क्रेमाफिन प्लस सिरप बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका यूज पेट में कॉन्स्टिपेशन के लिए किया जाता है। इससे अगर आपके पेट में दर्द होता हो या पेट साफ ना होता हो, गैस बनती हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम आपको बता दें इसका यूज क्या किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो इसका यूज उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि शराब वगैरह पीते हैं, या फिर जो वुमेन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसका यूज ना करें। अब हम अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो अगर इसका यूज कर रहे हैं और आपको डायरिया वगैरह हो गई, नौजिया हो गई है, नौजिया यानी कि दिल मितला रहा हो या पलटी सा लगने लगा हो, या आपको डायरिया हो गई, लूज मोशन आना शुरू हो गए हो, तो आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें और अपने डॉक्टर के नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें जो होता है लिक्विड पैराफिन होता है, मैग्नीशियम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, सोडियम पिकोसल्फेट भी होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए ही यूज किया जाता है। और मैन इसका यूज क्या होता है, ये सिरप जो होती है वो लोग भी यूज कर सकते हैं जो कि जैसे जिन्हें शुगर की बीमारी है, और वो सभी जैसे कि कोई ऐसी वैसी तो सिरप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शुगर फ्री लोगों के लिए भी यूजफुल होती है, वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर। दोस्तों, अगर आपको क्रेमाफिन प्लस सिरप के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।